हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से कल के दिन ये अपना प्राइसिंग एंड टारगेट बना सकता है, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। अभी हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं चार्ट सिनारियो, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने लगा रखा है और यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये इन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद 260 से लेके 240 का, 230 का यहाँ पे एक रेंज बनाया, उसको इसने नीचे की ओर ब्रेक कर दिया है। नीचे की ओर ब्रेक करने के बाद इन्हीं लेवल्स के आसपास इसको सपोर्ट लेना था। अगर हम इन लेवल्स को यहाँ पे देखेंगे तो इन्हीं लेवल्स के आसपास इसने सपोर्ट भी ले लिया है। ये कौन सा लेवल्स है मैं आपको बता देता हूँ, ये 210 के आसपास यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है और अभी इस सपोर्ट के बाद ये जो यहाँ पे था, ठीक है, 1:1 नीचे इसने दे दिया। अभी ये यहाँ पे आने के बाद देखते हैं प्राइस एक्शन किस तरीके से बनाता है। अगर ये प्राइस एक्शन यहाँ पे इस तरीके से बना के ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है जैसे ही ब्रेकआउट होगा तुरंत हमको एंट्री नहीं लेना है। हो सकता है क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इसको इसने ब्रेक कर दिया है, ब्रेक नहीं करना चाहिए था क्योंकि 4 से 5 बार ट्राई करने के बाद ब्रेक किया है, तो अभी ये जब इसके पास जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो लास्ट स्विंग का सेल लगा के हम लोग फिर से बाई करेंगे और 260 के लिए वेट करेंगे। और अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो जाता है तो समझ लीजिए ये टारगेट हम लोग ऊपर यहाँ पे प्लॉट कर सकता है, उसके बाद हम लोगों को 320-300 वाला टारगेट आराम से देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया और इस तरीके से प्राइस सेक्शन बनाया तो ये वाला जो रेंज है हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बनी है। अगर हम लोग यहाँ पे ड्राइंग अगर इसकी चैनल पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या क्लियरली नज़र आएगा, ठीक है, क्लियरली हम लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये वाले जब पॉइंट्स को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया तो एक ट्रेंड लाइन बन गई है और ये एक चैनल पैटर्न में था। इस चैनल पैटर्न में जाके ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाली है उसके आसपास अनमनरा रहा है, ठीक है, उसके आसपास होवर कर रहा है अगर बोलेंगे तो। अगर ये होवरिंग में इसको ब्रेकआउट देना है तो ये बेस्ट प्लेस है क्योंकि अगर किसी को ये प्ले करना है तो ऐसा यहाँ पे लगाएगा लेकिन वो टारगेट जो रखेगा अपना इसके हिसाब से, ठीक है ना, इसके हिसाब से 1:1 रखेगा और ये अराउंड अराउंड देखेंगे तो कहीं ना कहीं 600, 330, 40 और 50 के बीच में, मतलब इन लेवल्स के आसपास आता है। तो इन लेवल्स के आसपास अगर पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे ये कौन सा लेवल दिखाएगा, 320 का, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो 300-320 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको यहाँ पे हम लोग अचीव कर सकते हैं और ये 1:1 हमको प्रॉफिट यहाँ से प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन एसएल कितना लगा, बहुत छोटा। प्रॉफिट कितना हुआ, 1:2, 1:3 से ज़्यादा, तो ये अच्छी चीज़ होती है क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे एसएल लेते हैं तो वो कम चांसेस में होता है, 1:2, 3 बना रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बनी रहती है, राइट। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बन रखा है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इसको। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है, पिछले 3 वीक से यहाँ पे गिर रहा था, ठीक है, लेकिन इस वीक में एक इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी तो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल क्या हो गया, अच्छे से बढ़ गया क्योंकि जैसे इसने यहाँ पे ये वाला लेवल टच किया है जो ये यहाँ पे डब्ल्यू टाइप बना के गया था, ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, 210 का, इसमें बाइंग आई है, मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी 230 अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो ज़्यादा चांसेस है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और जैसे यहाँ पे ये जो लेवल्स है अराउंड 245 का जो लेवल है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये ऊपर के लिए निकलेगा, पहले 260 के आसपास एंड उसके बाद इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा वो 270, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 290 का टारगेट, इस तरीके से इसके टारगेट ओपन हो जाएंगे और ये ऊपर की ओर निकल पाएगा, राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक बार जाते हैं और लास्ट डे का कैंडल देखेंगे। लास्ट डे का कैंडल क्या दिख रहा है, इसके पहले यहाँ पे सिर्फ सेलिंग हो रही थी, ठीक है, पूरे 1 वीक से, लेकिन लास्ट वीक का जो लास्ट डे का जो कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया, प्लस यहाँ पे वोलाटाइल भी बहुत ज़्यादा था। तो अगर यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के इन लेवल्स को निकाल दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई पोजिशन बनाने के बारे में सोचेंगे, उसके पहले नहीं सोचेंगे। वन टाइम फ्रेम पे अभी चलते हैं, देखिए कल के दिन क्या हो सकता है, कल मंडे है, कल के दिन क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। पहला कैंडल बनाया, ठीक है, यहाँ पे 3-4 कैंडल बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं था, मतलब बायर सेलर्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं था, मोमेंटम नहीं था, लेकिन जैसे यहाँ पे, ठीक है, वेट किया क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन था इसके पास वेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो ये आया, इसके पास वेट किया, मतलब ये अच्छी चीज़ है, उसके पास ब्रेकआउट दिया एक कैंडल में ही, इसने यहाँ पे 215 से 227 बहुत ही बड़ा टारगेट दे दिया, तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गया। जिन लोगों ने यहाँ पे स्पाई किया होगा, प्रॉफिट बुकिंग किया, क्लोजिंग हम लोगों को कहीं ना कहीं नीचे मिल गया है। अभी हम लोग को बहुत थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। क्या वेट एंड वॉच करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ से ये नीचे की ओर आता है, ठीक है, अगर ये यहाँ से नीचे की ओर
आता है तो ये लगभग लगभग 215-217 के पास ही सपोर्ट लेगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका सपोर्ट इसके आसपास है, तो इन्हीं के आसपास सपोर्ट लेके इसी के ऊपर ये यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल में एक और चैनल बनाने की कोशिश करेगा, जिसको फ्यूचर में ब्रेक कर सकता है। ये हो गई अगर ये नीचे आती है तो उसके लिए बात। अब ऊपर जाने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऊपर कैसे जा सकता है? अगर ये अपना यहाँ पे हाई ब्रेक करता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है। और एसएल क्या हो जाएगा? ये हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है, ये एसएल एंट्री प्राइस हो गया इसका हाई। अभी यहाँ पे हमारे पास तुरंत जैसे ही यहाँ पे 227 टच हुआ, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, जैसे 226 टच हो रहा है निकल जाना चाहिए सेफली, राइट। उसके बाद अगर ये यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, एक सेकेंड, अगर ये यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, ये 227 के आसपास आने के बाद अगर यहाँ आके फिर से अगर 20% ये वाले ट्रेंड लाइन के आसपास मतलब ब्रेकआउट देने के पहले वेट किया था, सेम वे में यहाँ पे वेट करता है, अगर एग्जैक्टली इसके पास वेट ना करे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम यहाँ पे इस पास इतना आके यहाँ पे प्राइस सेक्शन बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो ये नेक्स्ट सीधे अपने ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के आसपास जाएगा और सेम सिचुएशन यहाँ पे रिपीट कर सकता है। तो आपको पता चल रहा होगा किस तरीके से जो बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न है वो छोटे टाइम फ्रेम पर रिपीट होता है और अपना टारगेट एंड लेवल दिखाता है। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग को पता है ये हमारा यहाँ पे, ठीक है, क्या है, चैनल पैटर्न है। छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये है, जब ये ब्रेकआउट देगा ऐसा लगा कि हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जब हमने इसको, ठीक है, इसको जब हमने यहाँ पे फिर से ऊपर की ओर निकाला तो हमें पता चला इसके अंदर भी एक इस तरीके का पैटर्न है, जिसको यहाँ ब्रेक करने के पहले यहाँ पे ये रुका था, फिर से ऊपर की ओर गया था, सेम यहाँ पे आएगा सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की ओर जा सकता है, लेवल को टच कर सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो क्या कर देना है, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम।